हेलो गाइज, वेलकम टू आवर न्यू ब्लॉग। और आज ये हमारा दूसरा दिन जिम का डेली ब्लॉग बनाने का चैलेंज, जो कल हमने लिया था। मैंने नहीं, विभुन लिया था, वही ब्लॉग बनाएगा ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि भाई मेरा तो ऑफिस होता है और अभी मैं करूँगी ब्रेकफास्ट। तो मेरा ऑफिस ना सुबह काफ़ी जल्दी स्टार्ट हो जाता है आजकल, तो अभी कहीं घूमना वूमना भी नहीं हो पा रहा है, कहीं बाहर जाना इसीलिए नहीं हो पा रहा है। एक तो गर्मी बहुत है, गर्मी में कहीं जाने का मन नहीं करता है। तो अभी मम्मी बना रही है चीला, क्योंकि मैं यही सब खाती हूँ अब नाश्ते में और मतलब रात में, मतलब थोड़ा ऐसे कल भी मल्टीग्रेन खा रही थी पर वो इतना गंदा रोटी बन रही थी मुझसे, क्योंकि मैंने फर्स्ट टाइम बनाई थी और मैं वैसे जनरली ऐसे नहीं बनाती हूँ, मैं थोड़ा आटा मिला के ही बनाती हूँ। गाइस देखो, बुआ जल्दी नाश्ता करके टाइम पास करने के लिए मम्मी को फ़ोन कर देती है, मम्मी लेट लेट नाश्ता देती है फिर हमको। ओहो मम्मी कब से उठ गए, मैं बैठी हूँ, काम भी कर लिया मैंने अपना। तो गाइस आ गया मेरा ब्रेकफास्ट चीला। अभी दिन के बच चुके हैं 4, मैंने और पीरू ने, मम्मी ने लंच कर लिया था हमने पहले ही थोड़ा पहले, लेकिन बब्बू ने अभी तक लंच नहीं किया है। और अभी ये वाला टाइम हमारा 4 बजे का है जिम जाने का, लेकिन वो अभी लंच कर रही है। अब पता नहीं कब तो लंच करेगी, फिर कब हम जिम जाएंगे। क्या है ये, काम ना करो क्या, क्या है ये, मेरे को मत बोला कर बार बार। लंच का टाइम होता है 2 बजे का। नौकरी छोड़ दूं क्या? तो नौकरी के साथ साथ खाना भी खा सकते। सुबह का कर रहे हैं जिम अब। 11 बजे कोई वो नहीं चलेगी कि अब मेरी मीटिंग है, ये वो है। फ्राइडे को नहीं जा सकती 11 बजे। तो चलो लेट्स गो जिम। में लिपस्टिक लगाने का कोई फायदा होता नहीं है वैसे। कौन लगाता है? जिसके हाथ में है वही लगा रहा है। तो तूने खाना खाया, आप कैसे वर्कआउट करेगी? जैसे करते हैं, उल्टी करते जाते हैं। तो यार ये जिम जाना भी आफत है। गाइस अभी बब्बू बाइक से उतर रही थी और नीचे जमीन पे फ्लैट हो गई है। क्यों क्यों रोड पे यूं नहीं आ रहा है? मैंने कह दी कि मैंने लेके आफत था मिस से कह दिया कि नीचे पड़े मेरे बब्बू का, बब्बू नीचे गाइस। अब बब्बू ट्रेनर भैया से मांग रही है बैंडेज। क्या यार, क्या जिम करेगी तो बाइक से उतरना नहीं आ रहा। यहाँ बब्बू के वर्कआउट शेड्यूल में सबसे पहली एक्सरसाइज है ये। किलो टोटल 20 करेंगे, ठीक है? एक और, अब दो और बचे, एक और लास्ट है। देखो दोनों भाई बहन एक ये पता नहीं क्या 5 किलो का वजन उठा रहा है, ये भी 5 किलो का वजन लेके बैठी है। फिर तू तो 12 किलो से करती थी घर पे, तो इतने डींगे मारती है। इसको 10 किलो से कराओ, पिछले वाले जिम में 10 से करती थी। मेरे पास वीडियो भी है, अरे वीडियो है मेरे पास। बैठ के करेगी तो आसानी रहेगी। हो गई खत्म तेरी? मैंने लेग्स की भी करी और शोल्डर भी की, बाइसेप्स भी की और बैक भी करी सारी। लगा के जाया करो, ऐसे ही चोरों की तरह चले जाते हो जिम में। मेरा तो कार्ड बना ही नहीं है अभी। मेरा और बब्बू का वजन सेम आ रहा है अभी। आज के सब फिजिक दिखा रहा है, कल तो कम था। गाइस अभी हमने जिम कर लिया है और मैंने आज भी ठीक से किया। अब मैं नहीं बैठूंगी, अब मैं साइड में नहीं बैठूंगी, बीच में बैठ। विभू मैं नहीं बैठ रही यार, तुम ऐसी हो, तुम दोनों ये हंस रहे, इतने बदतमीज है, दोनों हंस रहे, मैं रोड पे पड़ी हूँ, दोनों हंस रहे। शर्म आती है? कोई कोई मेरे को पिचका के चला जाता तो। बब्बू बाइक से उतरना ही नहीं आया इसे, और रोड पे ऐसे ऐसे क्या लगा रही है ये? मैं ना उतर दी थी बाइक से, मैं बताऊँ क्या हुआ। तो मैं उतर दी थी, वो पीरू पहले ही उतर गई, उसने फिर पैर अड़ा दिया, फिर पूरी ऐसे गिरे रोड में से। अभी हम जिम से वापस आ चुके हैं, अब हमको कुछ खाना पड़ेगा। आइसक्रीम फिरना खाते हैं जिम के बाद आके। आइसक्रीम जिम के बाद खाओ आइसक्रीम। ये घर पे बनाई है क्या मम्मी? सृष्टि पता है कैसे गिरी? ये सर रोड पे यही गिरी, बस तुम नहीं गिरी।
अबे और दोनों से बेचारे में हंस रहे हैं, मैं रोड पे गिर गई दोनों जी आई ऊपर से नीचे और आ गई। तो गाइस अभी हम बनाने वाले हैं ओट्स। क्या मम्मी दूध बचाना है क्या? हम दोनों बल्जिंग पे। बल्जिंग? बल्जिंग पे नहीं है, बल्किंग होता है। यहाँ पे देखो वी वाइन ओट्स बना दिया है जिसके ऊपर इसने थोड़ा सा ऐसे पीनट बटर है। तो गाइस अभी हम खाते हैं ओट्स जो मैंने खा लिया है, पर वीडियो के चलते मैं एक बार और खाऊंगी। अच्छा हो रहा है गाइस, अभी हमने यहाँ चोरी छुपके मंगा लिया क्योंकि ताई गई है बाहर कुछ सामान लेने के लिए। तो यहाँ पे देखो ये जो जिम वाले बंदे हैं ये तीनों, ये मतलब जिम कर रहे हो तुम, ये सब उल्टाटांग खा रहे हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? अभी इसे बनाएंगे खाएंगे और किसी को नहीं बताएंगे। अब हम जा रहे हैं बनाने स्पाइसी नूडल्स। फिर हमने बना लिए स्पाइसी नूडल्स। हमारी कढ़ाई ना कुछ ज़्यादा ही गंदी है तो हम नहीं दिखाना चाह रहे, हम पहले कटोरी में डालेंगे फिर आपको दिखाएंगे। बहुत खूबसूरत कढ़ाई है हमारी, बोलते हैं जन्मों जन्मों से हमारे साथ हो। ये डाल दिया हमने, हमने दो ही पैकेट मंगाए थे, थोड़ी थोड़ी सी एक एक कटोरी बनाई तो मैंने गाइस। देखो दूसरों की कटोरी से क्या करते हैं, ऐसे करके ना अपनी कटोरी में ले लेते हैं। ये जिस मर्जी को मिले मुझे कोई फर्क नहीं, बस हो तो गया। तो मेरे में डालना, उसमें क्यों डाल रहा है फिर? मैं तो ज्यादा मिलनी चाहिए ना सबको। तू बड़ा दानवीर हो रहा है। रात के बज गए 9 और हमारा हो चुका है डिनर टाइम। ये दिन के चावल है, बब्बू ने अभी दाल बनाई है अभी अभी। कैसी हो रही है? खट्टी खट्टी खट्टी। तुम्हें मेरी कोई चीज अच्छी लगती भी है? ये फेल पे फेल हो ही जा रही है ये। अरे दाल की देखती हूँ, टेस्ट करते हैं। टमाटर ज्यादा डाल दिया आपने, बहुत टमाटर भी डालो। पर ठीक है, खाई जा सकती है। तो गाइस अभी 10 बज गए हैं और आज अब्बू ने दाल बनाई थी जो मैंने नहीं दिखाई, तो उसने भी दिखाई क्योंकि मुझे पता है कि इसने क्यों नहीं दिखाई। अच्छा दिखाई है, मम्मी से पूछ, चल अच्छी नहीं हो रही थी, पूछ। यार मैं खाना बनाती हूँ, किसी को ऐसे पसंद क्यों नहीं आता है? तो अभी बस फिलहाल के लिए हम इस व्लॉग को एंड करते हैं। तो व्लॉग को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। बाय। तो गाइस